नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं क्लास नाइन्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में आने की संभावना है बहुत अधिक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है 3 + √2 / 3 - √2 = a + b √2। तो इसमें आपको फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका, लिखते हैं सॉल्यूशन। और सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है 3 + √2 और ये नीचे है 3 - √2 = a + b / √2। तो हमें फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इस साइड दिया हुआ है इसको रेशनलाइज कर लेंगे। कैसे करते हैं, 3 + √2 और नीचे है 3 - √2। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है ठीक इसके अपोजिट साइन वाले नंबर से, जो नीचे नंबर दिख रहे हैं, जो नीचे टर्म्स दिख रहे हैं इस टर्म के अपोजिट साइन से। अपोजिट साइन कहने का मतलब ये बीच में अगर ये माइनस है तो प्लस वाले से ये लिख लेंगे। 3 + √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और 3 + √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो इक्वल टू हो गया a + b और ये √2। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 + √2 और 3 + √2 तो क्या हो जाएगा, 3 + √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम हो रहे हैं, है ना। जैसे लिखते हैं a * a = a² तो इसी तरह 3 + √2 तो 3 + √2 का स्क्वायर। और नीचे वाला अगर ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जा रहा है, a - b और a + b, है ना। तो a² - b² तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये -√2 का स्क्वायर, इक्वल टू हो गया a + b और ये √2। अब चलिए आगे इसका सॉल्यूशन लेते हैं, आगे क्या हो जाएगा, 3 + √2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो a² + 2ab + b² तो इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 2 × 3 × √2 और फिर ये +√2 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ये हो गया 3 × 3 = 9 और माइनस में ये 3 के ऊपर पावर 2 तो 3 × 3 = 9 और √2 के ऊपर पावर 2 तो ये हो जाएगा √2 के ऊपर पावर 2 = 2। तो ये हो गया a + b √2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 3 के ऊपर पावर 2 तो ये हो गया 9 + 3 × 2 = 6√2 और +2 और यहां से इसको करते हैं तो 9 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो ये जाएगा 7, इक्वल टू हो जा रहा है a + b √2। अब इसको प्लस करते हैं, 9 और 2 क्या हो जा रहा है 11 + 6√2 और नीचे हो जा रहा है 7 = a + b√2। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलना है और अब क्या करना है, इसको पहले दो, जैसे ये दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसको दो टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे, 11/7 और +6/7√2 = a + b√2। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, a + b तो a के जगह यहाँ ये दिख रहा है और √2 के पहले b और b के जगह ये दिख रहा है। तो a = क्या हो गया हमारा 11/7 और b = हो गया हमारा 6/7 ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।